बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर वन के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस बोर्ड में काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। जी, सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन पीरियोडिक टेबल। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। सेकंड है व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अल राजी। अल राजी इज द साइंटिस्ट केमिस्ट जिसने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के लिए प्रेडिक्शन की थी, कंट्रीब्यूशन की थी। फर्स्ट पीरियोडिक टेबल किसने बनाया था, वो अल राजी ने। तो वो आपने बताना है किसकी क्या कंट्रीब्यूशन थी। हु प्रपोज्ड लॉ ऑफ ट्राइएड्स, इसमें आपने लॉ ऑफ ट्राइएड्स भी बताने हैं एंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी बताने हैं। उनकी डिस्क्रिप्शन देनी है, बताना है कि व्हाट इज लॉ ऑफ ट्राइएड्स किसने बनाया, व्हाट इज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने बनाया, और साथ में आपने एग्जाम्पल भी देनी है। जी, नेक्स्ट है डिफाइन पीरियड एंड ग्रुप। पीरियड और ग्रुप बताने हैं और आपने साथ में बता देना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं और कितने ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन पीरियड वन। पीरियड वन में कितने एलिमेंट्स हैं, इनकी आपने बतानी है क्वांटिटी और साथ में आपने इनके नेम्स लिखने हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नेम लिख देने हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब सिक्स पीरियड। सिक्स पीरियड जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का है वो आपने बताना है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एस ब्लॉक्स हैं, कितने पी ब्लॉक्स हैं, कितने डी ब्लॉक्स हैं, कौन सी सीरीज ऐड हो रही है, ये आपने बताना है। नेक्स्ट इज गिव एनी टू डिफेक्ट्स, कोई भी दो डिफेक्ट्स बता देने हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, और फिर आपने इसमें से इम्प्रूवमेंट बतानी है कि व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। फाइव है, डिटेल में नहीं जाना, जस्ट आपने इसमें से कोई दो तीन लिख दीजिएगा आप। नेक्स्ट है स्टेट मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ बताना है, फिर आपने स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बताना है। जी, नेक्स्ट है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी और एफ को जैसे कि हमने पढ़ा था तो हम इसको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्यों कहते हैं ये आपने जस्टिफाई करना है। नेक्स्ट इज वाई इज द नेगेटिव आयन इज ऑलवेज बिगर देन न्यूट्रल वन। इसमें पहले आपने जस्टिफाई करना है और साथ में एक एग्जाम्पल देनी है जिससे हमें नजर आएगा कि नेगेटिव का साइज बड़ा है फ्रॉम द पेरेंट और न्यूट्रल वन। नेक्स्ट इज व्हाई अ पॉजिटिव आयन इज ऑलवेज स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम, इसमें भी आपने एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल। नेक्स्ट डिफरेंशिएट है बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आपने एग्जांपल्स लाजमी लिखनी है। आपसे पूछा जाए या ना पूछा जाए, जब आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन देंगे तो नीचे इसके साथ रिएक्शन कोड करेंगे, इसी तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में। नेक्स्ट है व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीजेस इन अ पीरियड, इसमें आपने ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करना है। जी, नेक्स्ट है व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बतानी है, उसके साथ रीजन भी बतानी है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्यों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, नहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सॉरी, व्हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें आपने मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम की आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, उसके साथ आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और आयंस, ये एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल। व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी आप इसकी एग्जाम्पल लेंगे, ऑक्सीजन की एग्जाम्पल करवाई हुई है वो ले लीजिएगा और उसे जस्टिफाई कीजिएगा। व्हाई मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज इन अ ग्रुप, इसको जस्टिफाई करना है, ट्रेंड है मेटेलिक करेक्टर का। व्हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज इन अ ग्रुप फॉर हैलोजन्स, हैलोजन्स के अकॉर्डिंग हमने देखना है कि उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप में इंक्रीज क्यों होता है। नेक्स्ट इज व्हाई द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ नोबल गैसेज आर मोस्टली जीरो, ये जस्टिफाई करना है। हाउ ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिसाइडेड फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट हम किस तरह डिसाइड कर सकते हैं। व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स जनरली शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, ऑक्सीजन स्टेट वाले टॉपिक में से आया है कि इनकी वेरिएबल क्यों होती है, वेरिएबल मीन मोर देन वन। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी अलोंग अ ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड पूछा गया है अलोंग अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। व्हाई डायमंड इज नॉन कंडक्टर एंड ग्रेफाइट इज कंडक्टर, ये जस्टिफाई करना है, ये लास्ट स्लाइड थी हमारी मेटेलिक कंडक्टर में। जी, व्हाट आर हेलाइड्स, हेलाइड्स क्या होते हैं, इनकी टाइप्स के नेम लिखने हैं आपने साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई PbCl2 इज आयोनिक व्हाइल PbCl4 इज कोवेलेंट इन नेचर, जस्टिफाई करना है। डिफरेंशिएट है बिटवीन हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स, साथ में एग्जांपल भी लिख दीजिएगा। व्हाई ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, मेटेलिक ऑक्साइड्स
बेसिक क्यों होते हैं, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, और आपने साथ में इसकी एग्जांपल्स देनी है, कोई भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड लेना है और उसके रिएक्शंस करवाने हैं साथ आप। जी गाइस, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर वन। इसको आपने लाजमी सॉल्व करना है। चैप्टर वन हमारा कंप्लीट हो गया है, तो आपको आई होप सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे कि इसका आंसर आपने कौन से लेक्चर में देखा है। तो इसको लाजमी रेडी कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।